आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुलाबनगर मटिया रानी पत्रा के मनोज कुमार शर्मा उम्र 26 वर्ष की करनाल में रविवार की सुबह करीब 11 बजे काम करने के दरमियान संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। मृतक के पिता योगेश्वर शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद अगस्त माह में वे काम के सिलसिले में करनाल सेक्टर 6 राजपुरा गया था, जहां रहकर वह शटरिंग का काम दिहाड़ी मजदूरी में किया करता था। रविवार की सुबह उसने 8 बजे परिजनों से मोबाइल पर बात की थी, फिर करीब 11 बजे वहां से फोन आया कि मनोज की काम करने के दरमियान संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हो गई। मौत की खबर आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मृतक के घरों पर स्थानीय लोगों का तांता लग गया। वहीं मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक दो भाई दो बहन में दूसरे नंबर का था। वहीं मृतक की शादी 7 वर्ष पूर्व सपनी गांव में हुई थी, जिससे 2 लड़की और 1 लड़का है, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा 5 वर्ष का है। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया और उनके माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्णिया से विभूति सिंह की रिपोर्ट। आज क्या मामला हुआ है? मेरे दामाद के मोबाइल में फोन आया। कितने बजे फोन आया? फोन किया कितने बजे? लगभग 11 बजे। क्या फोन आया? की घटना हो चुका है। तब हम लोग को मालूम हुआ। कहाँ पे रहता था आपका बेटा? करनाल फुसघर, राजीपुर गली नंबर 2। घर से कब गया था? 22 तारीख के रक्षाबंधन के गया था। क्या काम करता था वहाँ? वो सेंटरिंग का काम करता, मकान कंस्ट्रक्शन का काम करता, प्लेट वाला, प्लेट का। क्या नाम है बेटे का? मनोज। मनोज कुमार शर्मा। हाँ, शर्मा का ये दास का ये। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? हम कुछ नहीं मांग करते, हमको डेट बोल दी चाहिए घर पे। हाँ। क्या लग रहा है आपको, आपकी बेटी की मौत का कारण क्या हो सकता है? आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या बता सकते हैं, हमको बेहोश है, कोई जानकारी नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा, क्या आप लोगों को वहाँ की प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? हाँ, थोड़ा बहुत हो चुका है बात। क्या वो लोग लाश भेजने को हैं? हाँ, लाश भेजेगा, बात हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा योगेश्वर शर्मा। घर? घर मटिया पोखर। इससे क्या हुआ, कुछ पता है? कुछ पता है मामला कैसे क्या हुआ है? अच्छा, आपका बेटा कब गया था घर से? कितना दिन हुआ घर से जाने से? 22 तारीख तिवती से, रक्षाबंधन के 22 तारीख। तभी कहाँ गया था काम करने? करनाल। करनाल में काम करता था। कितना बेटा है आपका? 2 बेटा है। शादी हो गई? एक बेटा। हाँ, शादी वाला जो बेटा है, एक दो पोती एक पोता, पत पोता भी साल लगला लग जो बाबू 6 महीना हुआ है। साल लगला जो जल्दी बच्चा दिए दे चार बोला तो पोता उन्हें साल लग जो बाबू। कब पता चला आपको कि आपकी बेटी की मौत हो गई? 11 बजे करीब मैं बोले बोला कि चटका बेटा की माँ मोबाइल काम कर, काम करेंगे मैं मट्टी डूबे दुखे मान कर रख रहे पेड़ से लावे के लिए बारी रख रहे गुलाई माँ चल रख के वही बैठा दिए अले फोन से कोटे तिल बिल को दे के अब मैं उन्हें की बोले खाना पहुँचा मैं ले जी माँ के जीजा जी फोन कर भैया मरी ग्रह भैया।